Hey guys, तो मैं हूँ और आपका एक और बार स्वागत है मेरे चैनल। तो आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में बात की जाने वाली है, जो कि हर किसी के मतलब मेनली जनों के पास ये तो प्रॉब्लम होती है कि आपके पास है लो एंड पीसी जैसा कि मेरे पास है और आप करना चाहते हो उसको फास्ट। तो आप इसलिए ये वीडियो पे आए होंगे, मेनली तो ऐसे ही आए होंगे। और ये वीडियो में इतनी वर्थ इट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो कि मतलब आपके पीसी को 50% से ज़्यादा तक भी फास्ट कर सकती है, और 40% तो पक्का है कि आपका पीसी फास्ट हो ही जाएगा 40% से ज़्यादा अगर आप ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करते हो। तो सिंपल है, कोई एप्लीकेशन नहीं डालनी है, ये सारी मतलब अंदर ही ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे। सो सब कुछ वर्थ इट होने वाला है। तो मैंने ये ढूंढा कहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हो कि ऑप्टिमाइजेशन या फिर अगर आपको स्पीड करना है टिप्स ट्रिक्स, तो ऐसी करोड़ों नहीं हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी। तो वो मैंने उसमें से 500 जितनी वीडियोस देख के उसमें से 500 में से सिर्फ 20 या 30 ही ट्रिक्स थी। मतलब टोटल उसमें से सारी मतलब एक जन 10 ट्रिक्स दे रहा है तो सारे में से मतलब थोड़ी तो मतलब आधे से बहुत ज़्यादा तो सेम ही थी। तो मैंने उसमें से 10 मेन उठाकर ये लिस्ट बनाई है जो कि मतलब एकदम वर्थ इट है। और दूसरे मैंने हार्डवेयर चेंजेस को भी मतलब किया है जो कि मतलब आप कर सकते हो। और ये SSD डालने से तो आपकी मतलब 40% तक आपका पीसी फास्ट हो जाता है, ये मतलब गूगल बोलता है। सो ये ट्रिक्स सब कुछ मतलब एकदम वर्थ इट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो इंट्रो बहुत ही लंबा हो चुका है, 2 मिनट का होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको विंडोज़ प्लस आर दबाना है। तो विंडोज़ प्लस आर दबा के आपको टेम्प क्लिक करना है, मतलब एंटर करना है। और फिर ये आपको सब कुछ कचरा ये डिलीट कर देना है, क्योंकि ये सब कुछ टेम्पररीज फाइल होती है। और जो भी टेम्पररी फाइल अभी काम में होंगी, जैसे कि मेरे लिए है ये निवाडिया, ठीक है, तो ये सब जो भी काम में होंगी उसको आपको स्किप कर देना है, वो आपको डिलीट नहीं करनी है, क्योंकि वो अभी तक उसका काम ख़त्म नहीं हुआ है। सो ये टेम्पररी मतलब ये कुछ आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं करेगी, कुछ होगा नहीं इससे सिर्फ जो भी मतलब विंडोज टेम्पररी मतलब रखता है अपने में वो सब डिलीट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर से लिखना है आपको ये परसेंटेज वाली साइन दोनों साइड में डाल के फिर से लिखना है। और अगर आप चाहते हो डायरेक्ट कॉपी करना, तो डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है ये पूरी लिस्ट, तो वो भी आप देख सकते हो। और कंट्रोल प्लस ए दबाने से सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, आप ऐसे ही डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो। सो ये डिलीट हो जाएगा। और हाँ, अगर एक और चीज़ मैं आपको टिप दिखा देता हूँ कि मतलब ये इधर आपको व्यू में जाके ये हिडन फाइल्स को ऑन कर देना है, तो उसके ये जो टेम्पररी हिडन फाइल्स होंगी वो भी आपको दिख जाएगी। तो ये ऐसा आता है जो भी एक्सेस डिनाइड या फिर ऐसा कुछ भी आता है, तो ये कंटिन्यू कर देना, या फिर ट्राई अगेन वाला ऑप्शन आए तो स्किप कर देना। तो ठीक है, इसको मैं ये कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू, ये सब कुछ कंटिन्यू आपको कर देना है, आपका भी ये आ सकता है। तो ठीक है, ये हो चुका है। और फिर लास्ट स्टेप है ये प्रीफेच, और ये प्रीफेच भी उसके जैसे ही मतलब बिना काम का सब कुछ कचरा होता है। प्रीफेच आपको लिखना है, ये डायरेक्ट आप कॉपी कर लेना वो डिस्क्रिप्शन में से। तो ये भी हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट और ये कंटिन्यू, ठीक है। तो ये ट्राई अगेन करना नहीं है, हमको कैंसिल ही कर देना है, क्योंकि ये सब काम का होता है। और फिर आप रिसाइकल बिन भी अपना एम्प्टी कर लेना, तो मेरे रिसाइकल बिन में से शायद मीन्स काम भी पड़ सकता है मेरा, तो जो भी डिलीट किया हो। तो आपका अगर कुछ काम ना हो तो वो खाली कर दे, क्योंकि जितना कम मतलब आपका स्टोरेज रहेगा उतना ज़्यादा फास्ट आपका विंडोज़ होगा। तो ठीक है, अब आपको कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है। तो मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, तो उससे कमांड क्या वो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। बाकी आप इधर से भी खोल सकते हो, इधर राइट क्लिक करके नीचे इधर टास्क बार में राइट क्लिक करना तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आपको जाना है डिटेल्स में या आपको स्टार्टअप में जाना है, और सारे मैं तो बोलूँगा सारे ऐप डिसेबल कर दो, क्योंकि मतलब ये जो स्टार्टिंग में आ जाते हैं ना वो मतलब वो बिना काम के ही होते हैं, क्योंकि आपको मतलब चाहिए तो रहने देना,
बाकी मतलब मुझे तो इसमें से सारे चाहिए ही नहीं, कोई चाहिए नहीं। और कोई कोई ऐसे होते हैं जो कि डिसेबल मैंने सारे अभी कर दिए है और मैं फिर से उसमें जाऊंगा, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फिर से आ जाते हैं, मतलब वो डिसेबल नहीं हो सकते, तो उसको रहने देना, उसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना मत करना। सो फिर आप ना वो बंद कर देना और फिर आपको राइट क्लिक करना है दिस पीसी में। तो ये रहा दिस पीसी, आप फाइल्स में जाके भी कर सकते हो और उसमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद, अरे प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। और फिर ये एडवांस सिस्टम सेटिंग्स हमारा इधर आ चुका है। और फिर गो टू एडवांस्ड, इधर एडवांस में आपको आना है। और फिर प्रेस सेटिंग्स अंडर परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस के अंडर सेटिंग्स आपको क्लिक करना है। और फिर ये कस्टम आप कर सकते हो या फिर एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, यही आप करो, पर मैंने कस्टम बनाया रखा है क्योंकि मुझे कोई कोई इसमें से नहीं चाहिए, तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए ये कर देता हूँ। तो ये मतलब कुछ इसमें से हो जाएगा, आपका फॉन्ट स्लो हो जाएगा और आपका एनिमेशन मतलब कम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एनिमेशन, जैसे कि ये विंडोज़ खुलता है तो वो एनिमेशन कम हो जाएगा और वो सब हो जाएगा। तो ठीक है, मैं ये एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस करके अप्लाई आपको कर देना है। तो ये शायद से आपको टाइम ले सकता है, मुझे तो हो चुका है। और मेरा, मैं पहले ही बता देता हूँ मेरे कितने लो एंड पीसी है। मेरे पीसी में है वो i3 फर्स्ट जनरेशन, 4 GB रैम, पहले से 3 GB रैम आई थी, और एक बहुत बहुत पुराना ग्राफिक्स कार्ड है जो कुछ काम का नहीं है, मतलब उससे फ़र्क पड़ता भी है या नहीं वो भी नहीं पता। तो ये देखो आप मतलब परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि ये फॉन्ट भी बदल गए हैं हमारे। तो ये फॉन्ट वाला आप कस्टम में जाके फॉन्ट मतलब स्मूथ कर सकते हो, अगर आपको ये ऐसे फॉन्ट पसंद नहीं है तो। तो ओपन फाइल्स एंड फाइंड द ड्राइव विच इन विच विंडोज़ इज स्टोर्ड इन। तो मेनली आपको मतलब सी ड्राइव में ही स्टोर्ड होता है विंडोज़, और राइट क्लिक करना है उस पर और फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो मैं कर लेता हूँ फाइल्स खोल के, फिर आपको मतलब जो भी ड्राइव में आपका विंडोज़ स्टोर्ड है उसमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और फिर ये प्रॉपर्टीज़ खुल चुकी है हमारी, सो इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और फिर उसमें प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद डिस्क क्लीनअप आपको करना है। तो ये रहा डिस्क क्लीनअप, इधर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और फिर प्रेस ओके और प्रेस डिलीट फाइल्स। देखो ये ऐसा होगा, तो ये हो जाने के बाद, ये हो जाने के बाद आपको इधर ले आएगा ये। तो इधर में से आपको जितने भी ये डाउनलोडेड प्रोग्राम, ये 0 byte है, तो ये आप देख लेना और कर लेना। हाँ तो डन मैंने कर लिया है, तो मैंने सिर्फ रखा है ये डाउनलोड्स और रिसाइकल बिन, क्योंकि वो मुझे डिलीट नहीं करने। डाउनलोड्स में से 1.65 GB है, तो वो मुझे डिलीट नहीं करना है। ये थंबनेल, टेम्पररी फाइल्स, ये सब कुछ आपको टिक कर देना है। और फिर ये ओके ओके नहीं क्लिक करना आपको, देखो इधर से प्रेस डिलीट फाइल्स का आपको करना है, ठीक है। तो ये क्लीन अप, हाँ तो ये हो चुका है। ये आपको क्लिक करने के बाद ये सब कुछ ओल्ड मतलब ये अपडेट नहीं, विंडोज़ अपडेट क्लीन अप आपको नहीं करना है। इसमें से जितना भी आया हो, देखो ये रिसाइकल बिन में छोड़ देता हूँ। और फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद ये ड्राइवर पैकेज आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इससे मतलब ये काम का होता है, ठीक है। पूरा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। और फिर आपको ओके क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये परमानेंटली आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स मेरी 0 bytes है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपका ये ज़्यादा हो तो आप इसको अनटिक कर सकते हो। सो ये आपकी तरीके से आप कर देना। तो ये लोड हो रहा है, हाँ तो ये हो चुका है हमारा डिस्क क्लीनअप। सो अभी क्लिक कर देना है ओके। और फिर ओपन फाइल्स एंड फाइंड ड्राइव मीन्स ये विंडोज़ जिसमें स्टोर्ड है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ गो इन टूल्स, तो वही आपको करना है, राइट क्लिक करना है, पर उसमें दूसरे में जाना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ में हम आ चुके हैं। और फिर इधर टूल्स में आना है, और फिर आपको इधर टूल्स में आने के बाद प्रेस ऑप्टिमाइज, और ये आपको ऑप्टिमाइज क्लिक करना है। और फिर ये आपकी लिस्ट खुल जाएगी, इसको आप बंद मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। सो ऐसे कर देना, और फिर आपको करना है ऑप्टिमाइज, ये ऑप्टिमाइज मैंने क्लिक किया था। और फिर इधर 1 by 1 सिलेक्ट एंड
ये एनालाइज करना है और साथ ही में ये ऑप्टिमाइज करना है, तो ये सारी ड्राइव्स को आपको कर देना है, ठीक है। ऐसे एक एक को आप कर देना एनालाइज और फिर दूसरे को कर देना, ऐसे सारे में आपको एनालाइज और ऑप्टिमाइज सारे में आपको कर देना है, ठीक है। ऐसे सब में आप कर देना तो मतलब बहुत फर्क पड़ता है इससे भी, तो ये लोड होगा, इसमें टाइम लगेगा, तो आप कर लेना। तो ठीक है, मेरा हो चुका है ऑप्टिमाइज और साथ में एनालाइज, तो इसको क्लोज कर देना, ओके। और फिर ये सर्च प्रोग्राम्स एंड ओपन इट, सो ये इधर आपको सर्च करना है प्रोग्राम्स, देखो इधर ओपन करना है आपको ये। अरे ये क्या एरर आया, कोई बात नहीं, वो एरर मेरे मतलब कुछ भी आया होगा ये। और राइट क्लिक एंड अनइंस्टॉल अननेसेसरी प्रोग्राम्स, तो इधर आपको मतलब अननेसेसरी प्रोग्राम्स आपको सेटिंग्स में जाके ये डिलीट करने हैं सारे, ठीक है। तो इससे मतलब मैंने बोला था ना कि जितना आपका खाली रहेगा आपकी सिस्टम, मतलब जितनी कम एप्लीकेशंस होंगी उतना ज़्यादा फास्ट चलेगा, तो ये सब को आप कुछ डिलीट कर सकते हो जिसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो इसमें से सब कुछ काम का है, या फिर आप इधर कंट्रोल पैनल में भी जा सकते हैं और डिलीट कर सकते हो, तो इसमें इसके बारे में भी मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो सेटिंग्स आपको ओपन करना है, सर्च एंड गो टू पावर एंड स्लीप सेटिंग्स, तो मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो ये सेटिंग्स में जाके पावर एंड स्लीप सेटिंग्स खोलना है हमको। तो ये रहा पावर एंड स्लीप सेटिंग्स, आप पावर लिखोगे तो आ जाएगा, एंटर करना है आपको। और फिर इसमें से आपको क्या करना है कि ये प्रेस एडिशनल पावर सेटिंग्स, क्रिएट अ पावर प्लान, ये आपको क्लिक करना है। इसमें आने के बाद आपको ये एडिशनल पावर सेटिंग पे क्लिक करना है, और फिर इसमें से आपको ये इधर एक एक्स्ट्रा आएगा, अगर आपको मतलब विंडोज़ 10 का हाईएस्ट लेवल, विंडोज़ 10 अल्टीमेट है अगर आपके पास ये वर्जन, तो आप वो इधर जाओगे तो अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आएगा। तो मेरे में सिर्फ हाई परफॉर्मेंस का ही ऑप्शन है, आपको पहले से ये बैलेंस परफॉर्मेंस बैलेंस्ड सिलेक्ट किया हुआ होगा, तो आपको ये हाई परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर देना है। अगर आप में ये नहीं है तो भी मैं बताऊंगा। तो इधर क्रिएट अ पावर प्लान में जाके आपको ये हाई परफॉर्मेंस वाला पावर प्लान क्रिएट कर देना है, और फिर इधर आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, गेमिंग गेमिंग मतलब ये आप नाम दे सकते हो हाई परफॉर्मेंस वाला। तो मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो अभी कंट्रोल पैनल बंद कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सर्च सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको इधर सर्च करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वो आपको ओपन करना है। सो ये ओपन हो चुका है, और फिर आपको इधर गो इन बूट, इधर आपको बूट में जाना है, और फिर बिलो द बूट ऑप्शन सिलेक्ट नो जीयूआई, तो ये नो जीयूआई बूट आपको यस रखना है, इसको टिक कर देना है आपको। और एडवांस्ड ऑप्शन में जाना है आपको, कहाँ गया है एडवांस्ड ऑप्शन, हाँ ये रहा, एडवांस्ड ऑप्शन में जाके सिलेक्ट द नंबर ऑफ प्रोसेसर एंड सेट इट टू द मैक्स नंबर शोन इन योर कंप्यूटर, तो इधर आपको जाना है और प्रोसेसर जितना भी मैक्स है, जैसे कि मेरे में 4 है, तो आपको इसमें मैक्स कर देना है, ठीक है। ये मैक्स ही रखना, ये बहुत फ़र्क पड़ता है आपके पीसी में। और फिर ओके अप्लाई, ओके। ये करने के बाद आपको रिस्टार्ट मांगेगा, या फिर देखो ये आ चुका है, ये आना चाहिए, तो आपको रिस्टार्ट कर देना। मैं एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से वो किया हुआ है। तो फिर ये विंडोज़ प्लस आर आपको क्लिक करना है, और सर्विसेज डॉट MSC ये खोल लेना है। ये खुलने के बाद मतलब ये एंटर करने के बाद एक एप्लीकेशन खुलेगी आपकी, और फिर हिट एंटर करना है, और ये इसमें ये मतलब ये ऐसा कर देता हूँ, और फिर ये फाइंड डबल क्लिक डायग्नोज सर्विस होस्ट, तो ये डायग्नोज सर्विस होस्ट कहाँ है, इसमें से आपको ढूंढना है डायग्नोज सर्विस होस्ट। हाँ, तो ये रहा सर्विस होस्ट ही आपको ढूंढना है, वही होना चाहिए, ये सिस्टम होस्ट मत खोल देना। और फिर इसे इसको आपको राइट क्लिक करके डिसेबल करना है, या फिर स्टॉप भी कर सकते हो। देखो मैंने इस इधर आपको आ जाएगा, उसको स्टॉप कर देना या फिर डिसेबल कर देना, ठीक है। तो डिसेबल पहले आपका ऑप्शन आएगा, क्या पता, आप देख लेना खुद से, थोड़ा मतलब मेहनत कर लेना यार। प्रेस अप्लाई एंड क्लिक ओके, तो वो मतलब आप स्टॉप करोगे ना उसको, तो वो हो जाएगा, ठीक है, उसको डिसेबल करना, और फिर वो ओके का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर देना,
सब कुछ कर देना है, ठीक है। फाइंड एंड डबल क्लिक सिसमेन, तो ये सिसमेन आपको ढूंढना है। हाँ तो ये रहा, मिल गया सिसमेन। तो ये सिसमेन को आपको इसको भी डिसेबल करना है, तो मैंने भी कर दिया है, और फिर से उसको अप्लाई करके ओके कर देना है, ठीक है। वो इजी होगा, आप देख लेना, ठीक है। और 10th स्टेप लास्ट स्टेप है जो कि हमारा, उस पर चलते हैं। सर्च सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड ओपन इट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, फिर से आपको वही ओपन करना है, और फिर उसको ओपन करके आपको जाना है गो टू सर्विसेज। ये सर्विसेज में जाके इसको सब कुछ ऑफ कर देना है। तो मैं तो बोलूँगा कि ये हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज करके, ये इसको टिक करके डिसेबल ऑल कर देना है, ठीक है। इसको डिसेबल ऑल करके मतलब सब कुछ ये आपका डिसेबल हो जाएगा, जो भी माइक्रोसॉफ्ट के काम की नहीं होगी वो। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो काम की होगी वो डिसेबल नहीं होगी, तो आप डरना मत। तो इसको अप्लाई कर देना है आपको, और फिर ओके कर देना है। तो ये इसमें भी रीस्टार्ट का आपको मांगेगा, तो आप रीस्टार्ट कर देना। तो मैं एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट कर रहा हूँ। और दूसरे है हार्डवेयर चेंजेस यू शुड मेक, तो आपको ये चेंजेस मेक मतलब आप बना सकते हो ये चेंजेस अगर आपको करने हो तो, जैसे कि रिप्लेस योर हार्ड ड्राइव, मतलब आपको SSD लगा लेनी है इसमें, तो विथ मैं लिख ही देता हूँ SSD। तो आपको आपके मतलब जितना भी पुराना कंप्यूटर होता है, पहले SSD नहीं थी तो सारे कंप्यूटर लैपटॉप सब में HDD ही होती थी, हार्ड ड्राइव नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव ही होती थी, जो कि एक मतलब डिस्क जैसा होता है, जैसे कि वो CD होती है ना, CD नहीं पर पुराने ज़माने में वो म्यूज़िक प्लेयर्स होते थे, उस पर एक मतलब वो पॉइंटर होता था, वो मूव करता था, तो कितना मतलब वो होता था ना, वो इतना पुराने ज़माने की मतलब हम अभी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, और मैं भी SSD लगवाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी मेरे लैपटॉप में। तो आप भी लगवा लेना, इससे सब बोलते हैं 20 से 30 से ज़्यादा सब बोलते हैं, पर मैं मतलब पक्का तो बोल ही सकता हूँ कि 20 से ज़्यादा तो स्पीडअप हो ही जाएगा अगर आप उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो। और फिर ये इंस्टा ID और PC एंड मतलब ये PC खोल के करने की बात हो रही है, मतलब आपको अपना PC खोलना है और सिंपली उसको क्लीन कर देना है सब कुछ, और जो CPU के अंदर थर्मल पेस्ट मतलब चेंज करना होता है वो आप कर सकते हो, पर आप खुद से मत करना क्योंकि हमको मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, आप कंप्यूटर वाले से करवा सकते हो। तो थर्मल पेस्ट तो वो कंप्यूटर वाले से ही करवाना पड़ेगा, हमारे पास क्या होता है थर्मल पेस्ट, मतलब नहीं होता हमारे पास, तो ठीक है वो आप कंप्यूटर वाले के पास से करवा लेना, वो आपको क्लीन भी कर देगा, अगर आपको नहीं आता तो वो मतलब क्लीन कर सकता है, ठीक है। उसके मतलब टॉपिक ख़त्म करते हैं। और अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो मतलब ये सब बोलते हैं कि ये वर्थ इट, मतलब वर्थ इट तो नहीं, मतलब ये सब मतलब इसमें परफॉर्मेंस का चेंज दिखता है सबको, मतलब ऐसा बहुत जन ने बोला है, पर मैंने मतलब इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस में चेंज नहीं देखा। तो अगर आप लैपटॉप यूज़र हो और अगर उसकी बैटरी मतलब रिमूवेबल है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो हाथों से, मतलब ऐसे ही बार बहुत सारे लैपटॉप में होती है, मेरे लैपटॉप में भी है ऐसी, तो मतलब पीछे से आप चार्जिंग में डालो अपना लैपटॉप और फिर बैटरी निकाल लो, तो मतलब वो आपका लैपटॉप चालू रहेगा पर वो बैटरी जितना मतलब पावर खाती है वो सब आपके CPU को GPU को उन तक पहुँचेगा, और उनको ज़्यादा पहुँचेगा तो आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ठीक है, यही थी आज की वीडियो। ये वीडियो बनाने में सही बोल रहा हूँ, मैंने आधे आधे घंटे के वीडियोस देखे हैं YouTube पे, मतलब कितने सारे वीडियोस देखे हैं, Google पे इतना सर्च किया है, कितनी वेबसाइट से मतलब ये नोट्स लिखे हैं। तो यार सब्सक्राइब कर देना यार, आपको एक बटन ही तो दबाना है, और मुझे पक्का पता है कि ये वीडियो देखने के बाद, ये ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद आपका मतलब PC मतलब कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका होगा पहले से। तो लाइक कर देना अगर आपका PC फास्ट हुआ हो तो, और इतनी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से सेट कर देना। तो ठीक है, यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे पता है ये लंबी हो चुकी होगी क्योंकि इतनी सारी टॉपिक्स कवर करना थोड़ी मिनट में काफ़ी नहीं होता, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ यार अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो यही है हमारी वीडियो, आउट्रो करते हैं, तो मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब के बाय फ्रेंड्स। मेरी आवाज़ काफ रही थी मुझे पता है, क्योंकि मैं कब का जो मतलब कंटिन्यूसली बोल रहा था।
like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.